हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल के पानी की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीड कम्प्लीट कर चुका है तो आप उसको सॉलिड या सेमी सॉलिड देने के लिए दो ही चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, पहली एप्पल प्यूरी, दूसरा दाल का पानी। तो फ्रेंड्स, दोनों रेसिपीज़ मैं आप आज अपने चैनल पर लेके आई हूँ। एप्पल प्यूरी आपने देख ली होगी, दाल का पानी अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 टेबलस्पून बच्चे के लिए दाल का पानी लिया था 6 मंथ्स के लिए, ये मैं बना रही हूँ घर वाली दाल। तो फ्रेंड्स, आपको दाल का पानी बनाने के लिए कोई सेपरेट दाल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में जो दाल बनाएं, क्योंकि इसका प्रोसेस सेम होता है, उसी के साथ बच्चे को आप दाल का पानी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने एक भगोनी में पानी ले लिया है, इसको हमने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें जितनी हमारी दाल डूब जाए उससे 1-2-3 अंगुल ऊपर तक हमने पानी भर के इसको 30 मिनट्स के लिए एक साइड रख देना है। वो इसलिए क्योंकि हमारी दाल देखोगे आफ्टर 30 मिनट्स बहुत अच्छे से इसी में सॉफ्ट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 30 मिनट्स बाद हमारी दाल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका ईजीली हमारी दाल टूट रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बिसल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको कुकर में जैसे ही चढ़ाएंगे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 बिसल यानी कि 2-3 बिसल में ही हमारी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे दाल तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको इंस्टेंट बनानी है, तो आप 2-3 बिसल यानी कि 2-3 सीटी कुकर में एक्स्ट्रा ऐड कर लें, एक्स्ट्रा दे लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके साथ ही आप इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला दें। मैं चूंकि ये फैमिली के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने हाफ जो स्पून थी छोटी वाली हाफ ऐड की है, लेकिन आप बच्चे के लिए बना रहे हैं 2 टेबलस्पून आपको दाल लेने, तो उसमें बिल्कुल चुटकी भर आप हल्दी डालें। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें कुकर में 2-3 बिसल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ले लूँगी, उसी में हमारी दालें बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। आप दाल का पानी, आप दाल खुद भी खाएं, अगर आप बच्चों को फीड करा रही है तो दाल में बहुत प्रोटीन होती है जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। हमने इसको 4-5 मिनट रख दिया था उतारने के बाद गैस से। अब हम इसको ओपन करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारी दाल कितने अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इस दाल को अच्छे से बॉयल कर लें। इसके बाद हम इसमें करेंगे पानी थोड़ा सा ऐड, यानी कि 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और आप बच्चे को जो कंसिस्टेंसी देने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको उस फॉर्म में बच्चे को देना है। तो फ्रेंड्स, आप बच्चे के लिए जो दाल का पानी बना रहे हैं उसको आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर या मिक्सी से भी ब्लेंड अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी इक्वल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमने दाल का पानी बच्चे के लिए निकाल लिया है। 6 मंथ्स के बेबी के लिए ये दाल का पानी आपको देना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर या मिक्सर में भी बहुत अच्छे से लिक्विड फॉर्म में बच्चे को पिला सकते हैं। दाल का पानी आप सेपरेट दाल से करके पानी ना पिलाएं, यानी कि दाल बॉयल दाल को अलग और पानी को अलग ना करें। आप दाल को मिक्स करके अच्छे से इसका प्यूरी फॉर्म में बना के तब बच्चे को पिलाएं। दाल बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।